नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी है। आज मैं क्या बताऊंगा कि जो पट्टा बोलते हैं, लीफ स्क्रीन आप लोग बोलते हैं, मैं आज क्या है एक्चुअल में कि ये देखिए, इसमें ये क्लिप लगी हुई है और पीछे लाके मैं दिखा दूं, एक ये क्लिप लगी है। अभी मेरे में क्या प्रॉब्लम थी कि मैं जब गाड़ी चलाता था तो क्या होता था, पीछे से खन खन की आवाज़ आती थी। तो एक आग बार लगा कि एक्सल है, तो एक्चुअल में एक्सल नहीं था, वो यही थी। अभी मैं दिखाता हूँ, इधर ये दोनों लगे हैं ना, अभी उस साइड पे अपन चलते हैं। अभी आप देखो, ये टूट गया, देख रहे हो, ये टूट गया और पट्टा जो है अपने एरिए से ये पीछे की ओर खिसक गया। और ऐसे ही पीछे देख लो, पीछे तो है ही नहीं, जनरली यहाँ पे होता है, तो यहाँ से टूट गया। अब चलिए मार्केट चल के देखते हैं, ये बन जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ, साथ साथ लाइव सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। हाँ जी, मैं बनवा के चला आया हूँ गाड़ी को। वहाँ पे एक्चुअल में बहुत भीड़ थी और हल्ला भी बहुत हो रहा था, और जो बनाने वाला था वो भी जल्दी में था, इसलिए मैंने उसको परेशान करने की कोशिश नहीं की। वैसे बहुत हल्का सा प्रोसीजर है, आपको ज़्यादा दिक्कत करने। और सबसे मेन बात, मैं पहले डरा हुआ था कि इसके कारण कुछ हो सकता है, पर उन्होंने बोला कि देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा होगा तो आप लाइएगा, तो जैसा ये बेल्डिंग किया हुआ है प्लेट, ऐसा ही दूसरा भी हो जाएगा, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब चूंकि हम लोग नए हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ये है वो है ऐसा है वैसा है, पर ऐसी बात नहीं है। उसने क्या किया, मैं आपको सीधा सीधा बताऊँ। सबसे पहले उसने, आप देख रहे होंगे, ये चारों बोल्ट दिख रहे हैं आपको, ये इन चारों बोल्टों को ढीला किया। ये थोड़ा दाएं बाएं थे तो इनको अच्छे से, ये थोड़ा सा दाएं बाएं थे तो इनको अच्छे से ठोंक ठोंक के बराबर कर दिया उसने। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसके बाद ये क्लिप थी, आप देख रहे ध्यान से, ये जो आपको क्लिप दिख रही है, ये वाली, ये 35 रुपए की एक आती है, वो सीधे उसने क्या किया कि सीधे इसमें फिट किया और नट से कस दिया। ऐसे सेम प्रोसीजर इधर भी है, ये देखिए, इसको भी इसने ऐसे ही किया है। तो ज़्यादा परेशानी वाली दिक्कत नहीं है, हम लोग चूंकि नए हैं तो हमें डर ज़्यादा लगता है, वैसे कोई दिक्कत थी नहीं, बाकी सब सही चल रहा है। आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा वीडियो था, क्या है लोग परेशान हो जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, क्या होता है कि जब, समझ रहे हैं, जब इसका प्रोसीजर बता दूँ, क्या होता है कि जब आपकी ये क्लिप नहीं लगती हैं तो क्या होते हैं कि मार्केट से ये क्लिप खरीदते हैं और उनको, जैसे ये मेरे में, इसको अच्छे से पीट पीट के बराबर बैठा देते हैं। आप जब भी बिठवाइए तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि रबर नीचे लगी हो, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये इनमें प्ले ना हो, ये आगे पीछे ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसका फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें तो वो जो क्लिप होती है ना, उसी को टेढ़ा करके लगाया हुआ है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, उसमें नट लगाने की जगह थी, उसने सीधे नट उठा के पीट दी। तो ऐसा होने वाली दिक्कत नहीं है, वो पट्टा है, पट्टा इतना जल्दी दिक्कत करता नहीं है, जिसको लीफ बोलते हैं। बस आराम से गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। आपका वीडियो देखने का धन्यवाद।